गुड मॉर्निंग डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सब सुरक्षित हैं, सेफ हैं। इस पैंडेमिक के माहौल में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप की सुरक्षा खुद करें। आज का टॉक का मकसद यही है कि मैं आपको अपने व्यूज़ बता पाऊं और आपको समझा पाऊं कि क्या छोटी छोटी चीज़ों से कितना फ़र्क पड़ सकता है हमारी ज़िंदगी में, हमारी सेफ्टी में। तो मैं आपको 6 नॉर्मल चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको पहले से शायद पता ही होंगी, और 6 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें भी बताऊंगा जो कि आपको मदद करेंगी अपने आप को सेफ, हेल्दी, सुरक्षित रखने के लिए। आपको ये तो पता ही है कि बायोसैश एज एन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ सेंट्रिक है। हेल्थ इज वेल्थ। आपके पास हेल्थ होगी तो आप वेल्थ आराम से कमा सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो द मेन थिंग इज टू लुक आफ्टर योर ओन हेल्थ। कोविड ऐसी बीमारी है कि इन्फेक्शियस है, और इस सेकेंड वेव की जो कोविड की लहर है वो बहुत ज़बरदस्त इन्फेक्शियस है, हमारे करीब आ चुकी है। खबर आती रहती है कि नियर एंड डियर वंस को या जान पहचान में कोविड हो रहा है। तो सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आज की डेट में क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करें। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के तरीके काफ़ी सारे हैं। डाइट इज वेरी इम्पॉर्टेंट। डाइट से आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलती है, दैट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। द मेन फोकस शुड बी योर न्यूट्रिशन। आपको न्यूट्रिशन किससे मिलती है? हाउएवर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी गो टू द 6 नॉर्मल थिंग्स यू हैव टू डू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपने डबल मास्क पहनना है, एक सर्जिकल मास्क, उसके ऊपर क्लॉथ मास्क। दैट इज मोस्ट इफेक्टिव इन मेकिंग श्योर दैट द एयरबॉर्न वायरस डजंट कम टू यू। सेकेंडली, सोशल डिस्टेंसिंग को इम्पोर्टेंस दीजिए, बहुत ज़रूरी है। ये जो 6 फुट मिनिमम कहते हैं ना कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा जो मैं पर्सनली फील करता हूँ कि जो एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट्स जो हैं, चाहे वो सुपरमार्केट का हो, चाहे वो मॉल का हो, एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट्स आई थिंक रेज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। क्योंकि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में है तो वो हवा में जो सर्कुलेशन है वो आपको इफेक्ट कर सकता है। तो मैं पर्सनली, इफ आई गो आउट टू बाय समथिंग, सपोजिंग वेजिटेबल्स बाय करने पड़ गए, तो मैं अवॉइड करता हूँ नॉर्मली एयर कंडीशन सुपरमार्केट्स या शॉप्स। मैं नॉर्मल शॉप में जहाँ से आप बोल के अपना सामान ले सकते हैं वो लेता हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल डिस्टेंसिंग एंड बींग अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स रिगार्डिंग एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशन, बिग एयर कंडीशन एनवायरनमेंट जहाँ सेंट्रल एसी है खासतौर पर, दैट इज अ डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, टू गो इन टू। थर्डली, यू मस्ट सैनिटाइज योर सेल्फ, योर हैंड्स रेगुलरली, क्योंकि जो आप टच करते हैं उसको सैनिटाइज करना जरूरी है। सैनिटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट बैक्टीरिया कैन बी किल्ड। वी एज यू नो ऑलरेडी हैव गॉट अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर हैंड सैनिटाइजर। फोर्थली, अगेन ये आपको पता होगा, एक्सरसाइज, सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, वेदर इट इज स्ट्रेचेज, वेदर इट इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वेदर इट इज स्पॉट जॉगिंग, वेदर इट इज स्किपिंग, दिस एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट ताकि आपका जो लंग कैपेसिटी है वो स्ट्रांग रहे। सो एक्सरसाइज, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ब्रीदिंग, वट एवर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, यू मस्ट ट्राई एंड डू 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे। इट कैन बी योगा,
बट सम कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कीपिंग एक्सेट्रा इज इंपॉर्टेंट टू कीप योर लंग कैपेसिटी स्ट्रांग. ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन, लेट मी नॉट फॉरगेट, इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर लकी कि हमारे पास एक एक नहीं दो दो वैक्सीन हैं. सो वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट. अभी अबव 18 यू कैन गेट वैक्सीनेटेड. हाउएवर वैक्सीनेशन के बाद भी कुछ सुनने में आया है कि कुछ लोगों ने जिन्होंने वैक्सीनेशन ली भी है उनको भी अनफॉर्चुनेटली कोविड हुआ है. देर आर सम केसेस लाइक दैट. सो अगेन एंड अगेन किस चीज पे बात जाती है कि इम्यूनिटी बूस्टिंग. यू हैव टू बूस्ट योर इम्यूनिटी. वैक्सीनेशन ले ली इसका मतलब ये नहीं है कि ढीले बैठ गए. आपने अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, आपने अपने फैमिली मेंबर्स की इम्यूनिटी बूस्ट करनी है. और ये आप, ये तो जो नॉर्मल चीज़ें मैंने आपको बताई, लेकिन ये आप कैसे करोगे टू मेक श्योर दैट रेगुलरली योर इम्यूनिटी इज बूस्टेड. उसके अलावा आपने क्या चीज़ करनी है अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए, उन खास चीज़ों पे मैं आपको अभी बताऊंगा सो दैट आप इसका फ़ायदा उठा सकें. क्योंकि हम जो रिसर्च फील्ड में हैं हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में न्यूज़ आती रहती है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको बताऊंगा कि आप हमारे पंच तुलसी ड्रॉप्स यूज कर ही रहे हैं. वेरी गुड, इट्स इम्पॉर्टेंट टू यूज दैट. इसी के साथ जुड़ा हुआ एक हमें कुछ फीडबैक आया है एक साइंटिस्ट से जिनके साथ हमारा संपर्क है, और ये पता चला है कि जो आप जो पंच तुलसी ड्रॉप को थोड़ा सा ना दोनों नॉस्ट्रल में लगाइए, डीप ब्रीदिंग उसके साथ करिए, वो जो तुलसी है वो आपके जो नेजल कैविटी को प्रोटेक्ट करता है. सो इट कैन बी वेरी हेल्पफुल टू प्रिवेंट सम सॉर्ट ऑफ इनहेलेशन ऑफ द वायरस. तो आप थोड़ा सा पंच तुलसी ड्रॉप नॉस्ट्रिल के अंदर लगा के आप अपना मास्क पहन के जाइए. यूज डू दिस ऑल्सो 3 times a day. बाहर जाने से पहले लगाइए, वापस आने के बाद लगाइए, फिर से अगर कहीं गए तब लगाइए, सोने से पहले लगाइए. इसमें कोई हार्म नहीं है. यू जस्ट हैव टू पुट लिटिल बिट. कुछ हमें फीडबैक मिला इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू डू, जिसके बारे में पता नहीं है लोगों को, क्योंकि एक नई रिसर्च आई है, नया डेटा आया है जो कहता है कि कुछ ट्रायल्स से पता चला है कि अगर आप ओवरवेट हैं तो गलती से अगर आपको कोविड हुआ तो उसकी जो सीवियरिटी है वो काफी ज्यादा होती है ओवरवेट लोगों पे. ओवरवेट लोगों पे कोविड का जो अटैक होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है. तो इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा आपने वेट कंट्रोल करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा अपना वेट. दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये नया डेटा आया है. सो वेट रिडक्शन, How do you reduce your weight without compromising on nutrition? ये important बात है. Weight reduce करने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं. लोग तरह तरह की चीज़ें बोलते हैं कि ये मत खाओ, वैसे मत करो, ये मत करो, लेकिन उससे आपकी nutrition कम नहीं होनी चाहिए. क्योंकि nutrition अगर कम होगी तो आपकी immunity low हो सकती है. तो keeping in mind this, I will give you some extraordinary tips कि आप अपना nutrition बढ़ा के वेट रिड्यूस करो. फर्स्ट पॉइंट, फॉर दोज हु आर ओवरवेट, हैव आवर सीबकथॉर्न ट्रिम फिट जूस टू गेट द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूट्रिशन, प्लस इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ योर मेटाबॉलिज्म टू हेल्प यू रिड्यूस द एक्स्ट्रा वेट. सेकेंडली, हैव ट्रिम फिट टी विद लिटिल बिट ऑफ नींबू 3 times a day बिफोर मील्स. This is very important for all those who are a little bit overweight. Now I'll move on to some other part. Again, because of data and analysis and research which we have found, it seems ki jo jin logo ko diabetes ya high sugar ki problem hai usme dangerous hota hai. COVID bada jor se attack karta hai aur janleva bhi ho sakta hai.
सो कोरिलेटिंग दिस, आपने अपनी शुगर लेवल मेंटेन करनी है, वन. नंबर टू, टू मेंटेन शुगर लेवल यू हैव टू ऑब्वियसली यू मस्ट अपना जो शुगर इंटेक है, आर्टिफिशियल शुगर, उसको आप ड्रास्टिकली कम करिए. फॉर एग्जांपल, अगर आपको चाय पीने की आदत है 3 कप रोज, उसमें से चीनी हटा दीजिए. रिमूव द शुगर. आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पर्सन. नॉर्मल पर्सन को भी बात कर रहा हूं कि यू मस्ट रिड्यूस द लेवल ऑफ आर्टिफिशियल शुगर इनटेक सो दैट योर फिटनेस लेवल इंक्रीजेस. देयर इज नो हार्म इन दिस, देयर इज नो साइड इफेक्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पर्सन अगेन. आर्टिफिशियल शुगर इनटेक कम करिए, बिकॉज इट हैज बीन फाउंड डायरेक्टली कोरिलेशन ऑफ सीवियर अटैक ऑफ कोविड इन केस ऑफ पीपल हु शुगर इज हाई, इन केस ऑफ पीपल हुज वेट इज हाई. एक स्टेप और आगे जाएंगे, शुगर आपने आर्टिफिशियल कम करी, एक स्टेप और आगे जाइए. अगर आप लंच में 3 रोटियां 4 रोटियां खाते हैं, डिनर में 3 रोटियां 4 रोटियां खाते हैं, या राइस काफ़ी सारा खाते हैं लंच में, राइस काफ़ी सारा खाते हैं डिनर में, उसकी मात्रा आप 1/3 करिए. अगर आप 3 रोटी खाते हैं, आप 1 रोटी खाइए. कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट्स टू शुगर फास्टेस्ट. फिर आप कहेंगे कि मुझे भूख लगती है, मैं क्या करूं. इंस्टेड ऑफ हैविंग सो मच कार्बोहाइड्रेट, रिड्यूस इट, ऐड समथिंग एल्स. हैव 1 कटोरी ऑफ दाल और हैव लिटिल बिट एक्स्ट्रा वेजिटेबल, हैव सम सैलड टू कॉम्पेंसेट दैट. सैलड एंड प्रोटीन से आप कॉम्पेंसेट करिए, अपना फाइबर इंटेक करिए ताकि आपका सिस्टम भी क्लीन रहे. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई एम टेलिंग यू. कंट्रोल योर वेट, रिड्यूस आर्टिफिशियल शुगर ड्रास्टिकली, रिड्यूस योर कार्बोहाइड्रेट इनटेक ऑल्सो. दिस पीपल विल नॉट टेल यू, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि हमें रिसर्च डेटा की जो फीडबैक्स आती है, क्योंकि हम इस लाइन में हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. और जो भी ये कह रहा हूँ, देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, देर आर नो साइड इफेक्ट्स. इट विल ओनली मेक यू स्ट्रॉन्गर एंड फिटर इफ यू सब्स्टिट्यूट शुगर विद शुगर विथ प्रोटीन एंड फाइबर इन वेजिटेबल्स. इट्स गुड फॉर यू. दोज हु आर ओवरवेट, प्लीज कंट्रोल योर वेट बाय एडिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ सी बकथॉर्न, ट्रिमफिट जूस, ट्रिमफिट टी 3 times a day. सो ये मैंने आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें बताई. एक और मैं आपको एक बताता हूं एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात. फॉर दोज पीपल जिनकी फैमिली में डायबिटीज है या हार्ट एलिमेंट्स है या बाकी कोई लाइफस्टाइल कंडीशन है, मैं उनको लाइफस्टाइल कंडीशंस मानता हूं, जो मैंने आपसे कहा है अभी उनके पे भी अप्लाई होता है. बिकॉज अगर आप डायबिटिक है तो यू मस्ट ऑब्वियसली कंट्रोल योर इनटेक ऑफ शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स. You must avoid oily food. You must take some good exercise. साथ के साथ you must take सी बकथॉर्न for giving you that full nutrition. Fortunately, हमारी कंपनी बायोसैश में lifestyle conditions के लिए तरह तरह के juices हैं. सी बकथॉर्न based हैं, जो आपको nutrition देती है, जो आपकी body की immunity बढ़ाती है. मैं फिर से कहूँगा, और मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि सीबकथॉर्न हमारी स्पेशलिटी है. सीबकथॉर्न हमारी स्पेशलिटी है, हम इसको प्रमोट करते हैं. लेकिन फॉर्चुनेटली लेटेस्ट रिसर्च क्या बताती है कि अमंग नेचुरल प्रोडक्ट्स सीबकथॉर्न इज और कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट product for prevention of COVID and for making sure that the severity of attack of COVID is much less than it otherwise would be. मैं ये अपने आप नहीं बोल रहा हूं, एक fortunately research आई है जो कहती है कि
टुडे इट इज परहैप्स वन ऑफ द ओनली नेचुरल थिंग्स विच वी कैन से विद सर्टेनिटी कि भाई ये ऐसे है। अब मैं आपको एक पढ़ के बताऊंगा, एग्जैक्ट वर्ड्स में पढ़ के बताऊंगा। कोरिया में बायोमेडिकल रिव्यू में ये निकला है, कोरियन रिसर्चर्स को एक सब्सटेंस मिला है जो कि कोविड 19 को इनहिबिट करता है, मतलब कंट्रोल करता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च टीम एट ईवा यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर, उन्होंने कंफर्म किया है कि सेबकथॉर्न रिप्रेसेस द एक्टिवेशन ऑफ प्रूरीन एंड एंजाइम विच इज एन एनर्जी फॉर द म्यूटेशन ऑफ न्यू कोरोना वायरस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि प्यूरीन जो एंजाइम है, सेबकथॉर्न उसको रिप्रेस करता है या सिप्रेस करता है या रिड्यूस करता है, और वही एंजाइम के ऊपर कोविड 19 फीड करके ग्रो करता है। तो जब उसको फीड करने के लिए और ग्रो करने के लिए नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली उसका अटैक और उसकी स्प्रेड कम होगी। सो दिस इज वन। सेकेंडली, चाइना में भी नानका यूनिवर्सिटी में उन्होंने पाया है कि ये सेम सेबकथॉर्न प्रूरीन को सप्रेस करता है ताकि कोविड 19 इतनी जल्दी से स्प्रेड ना कर सके। सेकेंड बताया मैंने आपको। थर्डली, सेबकथॉर्न बेरी को वो समझ रहे हैं कि इट कैन बिकम अ सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट टू सप्रेस कोविड 19 स्प्रेड इन दोज पीपल विद कोविड। तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये हो सकता है कि आप सेबकथॉर्न बेरी को एक सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। इस पे रिसर्च अभी भी जारी है। फोर्थ, ये भी बिलीव कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट तो है बट ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट भी बन सकती है टू प्रिवेंट कोविड 19। इमेजिन, अपार्ट फ्रॉम सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट इट कैन बिकम कॉम्प्लीमेंट्री टू प्रिवेंट कोविड 19। दिस आई एम रीडिंग द रिसर्च एग्जैक्ट वर्ड फॉर वर्ड। गाचोन यूनिवर्सिटी कैंसर एंड डायबिटीज इंस्टीट्यूट कह रही है कि इट कैन बी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग कोविड 19 स्प्रेड बिकॉज वो जो प्रूरीन एंजाइम पे एक्टिवेशन को वो कंट्रोल करता है, और वो जो प्रूरीन एंजाइम है एनर्जी सोर्स है एड्स के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, इबोला वायरस के लिए और कोविड 19 वायरस के लिए। तो ये चारों चीजों में काम आता है। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि ये सिर्फ हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, मैं आपको रिसर्च की जो पब्लिश हुई है चीजें वो मैं पढ़ के फिर से बताता हूं। बिकॉज रिसर्च टीम एट ईवा यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर हैज सेड दैट सेबकथॉर्न रिप्रेसेस एक्टिवेशन ऑफ प्रूरीन एन एनर्जी सोर्स रिक्वायर्ड फॉर म्यूटेशन ऑफ न्यू कोरोना वायरस। फर्स्ट, सेम थिंग इन चाइना नानका यूनिवर्सिटी, दे आर सेइंग that सेबकथॉर्न attacks purine to acquire energy for replication, so suppress होता है। थर्ड थिंग, अब इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि सेबकथॉर्न बेरी कैन बी अ सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट टू सप्रेस कोविड 19। फोर्थली, द साइंटिस्ट इज सेइंग दैट आई बिलीव दैट सेबकथॉर्न कैन वर्क एज अ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट कोविड 19। Again, Gachon University Cancer and Diabetes Institute is saying that it can be effective in preventing COVID-19 spread. So this is research जो मैंने आपको पढ़ के बताया है। Fortunately, there is some research coming out quickly. These researchers, they are researching many things. They are researching many plants. और इनमें से सेबकथॉर्न उभर के आया है as one of the best promising plants for increasing your immunity, for being able to suppress dangerous things like AIDS, hepatitis, Ebola, and now COVID-19 virus. So
सो आई एम सेइंग दिस टू यू बेस्ड ऑन द कोरियन बायोमेडिकल रिव्यू पब्लिश्ड पेपर ऑफ रिसर्च. दिस इज अवेलेबल फ्रीली. ये बड़ा इंकरेजिंग है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है, क्योंकि आज तक जब सारी दुनिया स्क्रैम्बल कर रही है पता करने के लिए कि हम क्या करें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, कैसे चले आगे, ये क्लियर रिसर्च इंडिकेट कर रहा है कि ये ऐसा है. इसके अलावा रिसर्च हो चुकी है बाय वेरियस अदर पीपल एंड इंस्टीट्यूट्स. फॉर एग्जांपल, रशियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स मॉस्को ने सीबकथॉर्न की एंटीवायरल कैपेबिलिटीज अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा वायरस ANB, अगेंस्ट अडीनो वायरसेस, अगेंस्ट पैरामिक्सो वायरसेस, अगेंस्ट हर्पीज वायरसेस, अगेंस्ट साइटोमेगलो वायरसेस ऑलरेडी पब्लिश की हुई है. तो ये सारी चीज़ें भी सीबकथॉर्न में पावर्स हैं इन सब के अगेंस्ट. ऑल्सो बहुत रिसेंटली डेनमार्क NIS लैब्स ने एक रिसर्च के बारे में वीडियो निकाली कि जो हमारे बॉडी के स्टेम सेल्स हैं, अगर कोई डिजीज आती है तो स्टेम सेल्स इमीडिएटली एक्टिवेट होते हैं उस डिजीज से फाइट करने में. ये पाया गया है कि सीबकथॉर्न बेरी को यूज करने के बाद स्टेम सेल्स 2 घंटे में एक्टिवेट हो जाते हैं और स्ट्रांग बन जाते हैं टू फाइट डिजीज, आपकी बॉडी के स्टेम सेल्स. सो ये थर्ड रिसर्च जो है, जो कि वैलिडेट करता है कि द ग्रेट इम्यूनिटी बूस्टिंग पावर्स ऑफ सीबकथॉर्न जूस, सीबकथॉर्न बेरी एक्सट्रैक्ट्स, सीबकथॉर्न सीड एक्सट्रैक्ट्स. सो वी आर वेरी लकी, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग ऑलरेडी इस स्पेस में हैं, क्योंकि आज का जो दौर है वो कहता है कि आपको अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए यू मस्ट बूस्ट योर इम्यूनिटी. और ये जो रिसर्च अभी आई है वो यही वैलिडेट करती है कि दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर बूस्टिंग योर इम्यूनिटी, फॉर इन केस यू गेट हो कोविड, अ नेचुरल वे दैट आप लेते रहिए ताकि वो उसका इफेक्ट आपके ऊपर इतना ज़्यादा ना हो, और शायद ये प्रिवेंटिव भी हो जाए. इट इज़ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट. अब क्योंकि हमें इतना कॉन्फिडेंस है अपने प्रोडक्ट पे, जब शुरू में वैक्सीन आया था तो बहुत भीड़ थी, लाइनें लगी हुई थी, लेकिन हमें कोई एंजाइटी नहीं थी कि अरे हमने वैक्सीन नहीं लिया है, ले लेना चाहिए, जल्दी ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं डेली सीबकथॉर्न जूस और कैप्सूल खुद लेता हूँ, तो मुझे पता है कि इम्यूनिटी टचवुड स्ट्रांग है. तो इतना मैड रश नहीं था कि अरे वैक्सीन ले लो, जल्दी करो जल्दी करो, क्योंकि चारों तरफ इतनी सफरिंग है बिकॉज ऑफ कोविड. फिर भी मैं एंक्शस नहीं था. मैंने रिसेंटली वैक्सीन लिया है और मैं रिकमेंड करूंगा सबको कि आप वैक्सीन लीजिए, बट साथ के साथ प्लीज डोंट फॉरगेट टू बूस्ट योर इम्यूनिटी. अगर आपने वैक्सीन ले लिया ये मतलब नहीं है कि आप फ्री हो गए. आप अपनी बॉडी का ख्याल रखिए, स्ट्रेंथ बना के रखिए, इम्यूनिटी के ऊपर कॉन्शियसनेस से आप अपने आप को ऊपर काम करिए. आई होप कि मैं आपके और या आपको मैं समझा सका हूं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सीबकथॉर्न. लेटेस्ट रिसर्च हैज पॉइंटेड इट आउट. मैं पहले भी बहुत बारी बोल चुका हूं कि इट इज वन ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ गॉड, गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू मैनकाइंड, एंड हम लोग लकी हैं कि हमने इसको पहले ही पकड़ के इसका इतना प्रोपोगेशन किया, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं इसके, जिसके बारे में डेली फीडबैक आता है. सो वन दस अगेन आई इंसिस्ट, डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड सीबकथॉर्न इन योर डेली डाइट 3 times a day. ये शायद आपकी जिंदगी बचाएगा एक दिन, क्योंकि रिसर्च सारा पॉइंट कर रहा है कि इट इज़ वेरी वेरी गुड, इट इज़ वेरी गुड सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री इन दिस डिजीज फील्ड एनवायरनमेंट. वेरी गुड एंटीवायरल, वेरी गुड फॉर बूस्टिंग इम्यूनिटी.
शायद ही कुछ दुनिया में ऐसा कुछ इस वक्त है। गो फॉर इट, इट्स अवेलेबल, गो फॉर इट। इस वक्त कोविड 19 का कोई क्योर नहीं। आपने दो डोज वैक्सीन की ले भी ली, फिर भी गारंटी नहीं है कि आपको कोविड होगा या नहीं होगा। यू कैन स्टिल गेट इट, अगर आपकी इम्यूनिटी लो हो गई तो क्या पता हो जाए। सो कीप योर इम्यूनिटी स्ट्रांग। कह रहे हैं कि शायद क्योंकि इतने म्यूटेंट वैरायटीज आ रहे हैं वायरस के, तो शायद कह रहे हैं कि आपको बूस्टर डोज भी लेना पड़ जाए, क्या पता हर साल लेना पड़ जाए वैक्सीन का बूस्टर डोज। इसका मतलब है फिर से कि आपको इम्यूनिटी बढ़ा के रखना है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पैंडेमिक इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होने वाला, क्योंकि वैक्सीनेशन ऑफ होल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज़ अ बिग टास्क, इट टेक्स टाइम, साल दो साल लग जाएगा, ज़्यादा भी लग सकता है। म्यूटेंट स्ट्रेन्स आएंगे वायरसेस के, तो शायद नहीं कोई वैक्सीन की ज़रूरत पड़ जाए। सारी चीज़ें इसी को पॉइंट करती हैं, बूस्ट योर इम्यूनिटी। पहले मैं कहता था कि सेवकथॉन एक लाइफस्टाइल अल्टरनेटिव है, एक कॉन्सेप्ट है, एक लाइफ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि सेवकथॉन इज अ लाइफस्टाइल अल्टरनेटिव, यस, बट टुडे सेवकथॉन इज अ सर्वाइवल अल्टरनेटिव। यू मस्ट हैव इट। रिसर्च इज पॉइंटिंग टू यू नो ऑल एस्पेक्ट्स आर पॉइंटिंग टू दैट इट सेवकथॉन इज बिकम लाइक अ सर्वाइवल अल्टरनेटिव टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, टू कंट्रोल द फैक्टर्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द स्प्रेड ऑफ कोविड। सो दिस इज वॉट रिसर्च इज सेइंग, आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट टू यू। अब नॉर्मल थिंग्स लाइक जो मैं पहले बोलता था कि हैविंग सेवकथॉन अ शॉट ऑफ जूस एंड कैप्सूल इज लाइक हैविंग 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड नट्स, इतनी सारी न्यूट्रिशन है। अब तो अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिशन विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी, यू आर फाइंडिंग की रिसर्च इज सेइंग इट कैन बिकम अ सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट। तो अब तो कोई डाउट नहीं बचा कि आपने सेवकथॉन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इफ यू आर हेल्दी यू मस्ट हैव इट, इफ यू हैव गॉट लाइफ स्टाइल कंडीशन, यू हैव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द जूस विच इज अवेलेबल फॉर यू। नाउ इट इज वेरी क्लियरली अ प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट। अपार्ट फ्रॉम द प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स ऑफ ओमेगा 3679, एंटीऑक्सीडेंट्स, एमिनो एसिड्स, अब तो इसमें प्रॉपर्टीज ये हैं जो कि प्रूरीन को सप्रेस करती है, जो जिस पे कोविड फीड करता है उसी चीज को सप्रेस कर देती है। तो दिस इज अ ह्यूज ह्यूज ब्रेक थ्रू आई वुड से। ऑल्सो आई विल से कि इवन चिल्ड्रन अबव 12 ईयर्स कैन हैव 5 ml ऑफ सेवकथॉन जूस एज अ प्रिवेंटिव, एज अ इम्यूनिटी बूस्टर। इफ यू डू नॉट गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम योर नॉर्मल डाइट, यू हैव 5 ml एज अ बूस्टर ऑफ न्यूट्रिशन, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। देर इज अ कॉशन हियर जो कि हम सब जितने भी हेल्थ प्रोडक्ट्स है उसमें भी बोला जाता है कि प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग वुमेन शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, यस। इन केस यू आर सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिजीज यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, यस, दैट इज ट्रू एंड होल्ड्स ट्रू ऑलवेज। बट जनरली एज अ जूस, एज अ सप्लीमेंट, इट्स अ वेरी पावरफुल जूस, वेरी पावरफुल सप्लीमेंट एंड यू मस्ट हैव इट। मुझे फील होता है पर्सनली कि जो अपनी लाइफ की एनर्जी, टाइम, रिसर्च, एफर्ट्स जो लगाई हैं वो इस वक्त उसके रिजल्ट की वजह से, इतना अच्छा जो रिजल्ट आ रहा है उसकी वजह से बहुत खुशी होती है कि यस वी आर ऑन द राइट ट्रैक। और हमारा विजन अभी भी बड़ा क्लियर है कि हमारा प्रोडक्ट बोलता है। एक बार आपने सेवकथॉन जूस या सेवकथॉन कैप्सूल हमारा बनाया हुआ बायोसैश कर लिया, बहुत फर्क पड़ता है। विद इन डेज आपकी एनर्जी लेवल्स इंप्रूव हो जाती हैं, आपकी फिटनेस लेवल्स इंप्रूव होती है, आपके चेहरे पे ग्लो आता है, इंटरनली यू फील गुड, पैरामीटर्स लाइक शुगर विच यू कैन मेजर इमीडिएटली, यू कैन मेजर द रिजल्ट्स। सो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज नॉट अवेलेबल जनरली स्पीकिंग,
जस्ट लाइक दैट. वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव डिवेलप सच थिंग्स. और मैं फिर से अर्ज करूंगा कि जब इतनी रिसर्च आई है, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. आप ने एक मील मिस कर दिया, बट सीबकथॉर्न जूस, सीबकथॉर्न कैप्सूल लेना मिस मत करो. आज के दौर में द सबसे इंपॉर्टेंट जूस जो हमारा है, मैं मानता हूं कि सीबकथॉर्न इम्यूनोसैश जूस है. उसमें सीबकथॉर्न के सारे गुण हैं. उसके अलावा हमने उसमें 12 जो हर्ब्स डाले हैं विच आर स्ट्रेट फॉरवर्डली हेल्पिंग योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, हेल्पिंग योर इम्यूनिटी बूस्ट, helping in antiviral activities because we have added sea buckthorn leaf extract also. हमारी pioneering research ने इसको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से formulate और compile किया है. And it is, I think, one of the best things today in this atmosphere of pandemic. It is one of the best things you can have to keep your immunity high so that you can fight well. और वो ही है आज की डेट में, it is survival of the fittest. It's a very simple thing, survival of the fittest. आप अपनी बॉडी में ऐसी चीजें डालिए, इस्तेमाल करिए which helps you be fit to survive this extremely difficult atmosphere जहां पे ये वायरस भी एयरबॉर्न है. Again, the lockdowns have been, you know, become so essential. कि आप बाहर ना जाओ ताकि आपको एयरबोर्न वायरस ना हो. But मैं कहता हूं कि yes, it's very essential. The second part is that you must look after your body in order that you become one of those who survive because you are fit. You must have this. Seabuckthorn Immunosash Juice, I think, is perhaps the world's first natural Seabuckthorn immunity boosting antiviral juice. Have it 3 times a day. Miss a meal, don't miss that. Again, friends, I don't want to sound pessimistic because I am a born optimist. I look at everything, if there is a problem which comes forward, I look immediately ki how do we solve this. In today's day and age, the best thing according to me is, based on whatever research we have found worldwide which is going on, that our Seabuckthorn juices which target different lifestyle conditions, for people with those conditions, or simply the Seabuckthorn Immunosash juice and capsules are the best thing in today's environment. Make it a survival concept. I thought it's a lifestyle concept. Now today it is, I am upgrading it myself to a survival concept. To keep yourself healthy, to keep disease away, to be secure. Because today is a time of survival of the fittest. And the root cause of poor immunity is stress, poor diet, which doesn't have the required spectrum of nutrition. And Seabuckthorn gives you all of it. See, this is again, मैं आपको बताता हूँ, इतनी rare चीज़ है. हम fortunate है कि हम, हमारे पे vision था. और अभी भी हम believe करते हैं कि we will reach every home. With our various verticals of different types of products, food products, supplements, capsules, tea, cosmetics, creams, soaps, detergents, all with that natural concept, USP, using Seabuckthorn, antibacterial properties, natural ingredients, to naturally keep you and your family fit and healthy. So, मैं फिर से अर्ज करूंगा, I am an eternal optimist. Let us tackle this problem together with a smile on our face, in a positive manner. And the only way you can deal with this in a positive manner,
कीप योर स्ट्रेस लेवल्स डाउन इज कि यू थिंक ऑफ ऑल द पॉसिबल थिंग्स यू कैन डू टू बी फिट. मैंने शुरुआत में एन्यूमरेट किए आपके लिए द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स टू बी डन, द नॉर्मल थिंग्स टू बी डन. इन द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो आई जस्ट गिव इट टू यू, इन द स्टार्ट ऑफ दिस टॉक आई मेंशन, फॉलो ऑल ऑफ दैट, डू एवरीथिंग, बी हैप्पी एंड गो अहेड विद द थॉट कि येस आई एम डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू रिमेन फिट एंड हेल्दी. थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट, यू मस्ट डेली सप्लीमेंट योर सेल्फ विद सीबकथॉर्न जूस, बायोसैट सीबकथॉर्न कैप्सूल्स, सीबकथॉर्न टी विच यूजेस द लीव्स विच आर ह्यूज एंटीवायरल. हैव अ 1 hour एक्सरसाइज सेशन, रिड्यूस आर्टिफिशियल शुगर्स, कंट्रोल योर डाइट, इफ यू आर ओवरवेट रिड्यूस द वेट, फॉलो माई एक्स्ट्रॉर्डनरी टिप्स एंड ऑफकोर्स upgrade the normal things which you do, double masking, sanitization, social distancing, all that, all those normal things also must be followed. Take care, friends. All the best.